राजस्थान की गहलोत सरकार ने, जी हाँ कांग्रेस सरकार ने, विश्व प्रसिद्ध सालासर मंदिर के द्वार को ढहाया। द्वार को तो सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ढहाया, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर लगे हुए राम दरबार को भी सुरक्षित उतारना इन्होंने उचित नहीं समझा और उसे भी द्वार के साथ ढहा दिया गया। ये है कांग्रेस सरकार की सोच। कांग्रेस सरकार अपराधियों पर, दुष्ट आताताइयों पर बुलडोजर नहीं चला पाती, लेकिन इसने राम दरबार पर बुलडोजर चला दिया और उस राम दरबार को ढहा दिया। इसके अलावा दूसरी घटना हम आपको बताना चाहेंगे, पंजाब के पटियाला में रानी सती मंदिर, जो कि लगभग 50 साल पुराना था, आम आदमी की सरकार बनते ही उसे सुबह सुबह 6 बजे तोड़ दिया गया। ये वो दिन है जब आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान सिंह शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिर तोड़ा जा रहा है। देखिए ये खबर। जगबानी टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हां कवलजीत कंबोज। जिस तरह सवेरे ही जिहड़ी खबर सामने आई सी कि 6 बजे के करीब जिहड़ा कि इत्थे बेअदबी दी घटना हुंदी है, जिस तों बाद हिंदू संगठन वालों जिहड़ा कि इकट्ठे होण दी कॉल दित्ती गई सी, इकट्ठे हो चुके ने, गलबात लगातार जारी है प्रशासन दे नाल। किस तरह वेखदे हो कि बेअदबी एड्डी वड्डी होना, ढा दित्ता गया मंदिर पूरा दा पूरा? देखो अज हालात देखो सरकार दे, मैं कहांगा पंजाब सरकार अज शपथ ले रहे हैं भगवंत मान जी, ते पटियाला दे नगर निगम दे हालात तुसीं देखो, तुहानूं पहले भी तुसीं देखे है कि 40-50 साल पुराना जिहड़ा सती माता दा ये मंदिर सीगा, जिहड़ा है कारपोरेशन ने जिहड़ा है कमिश्नर दे आदेश दे उपर ढाता। हालात ये है कि कमिश्नर साहब फोन नहीं चक रहे सवेर दे, हिंदू संगठन इकट्ठे होए पे हैं, ते प्रशासन नूं मंग इक्को ही है साडी कि जेडे भी अधिकारी इस मुहिम दे विच मंदिर ढाण दे विच शामिल सी उहनां दे उपर बंदी कारवाई होनी चाहीदी है, क्योंकि अगर इस जेडे प्रशासन दे लोग हैं अगर इन्हां दे उपर बंदी कारवाई नहीं होंदी तां मैं कहांगा हिंदू समाज वास्ते बहुत नलायकी वाली गल है। जो काम पहले मुगल आताता ही किया करते थे, अब वो काम खुद हिंदू विरोधी सरकारें कर रही हैं। और दुर्भाग्य कि हिंदुओं का संगठित न होना इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके मंदिरों को, उनके देवी देवताओं के स्थानों को किसी के भी द्वारा आसानी से तोड़ दिया जाता है। आप सोचिए यदि इसी प्रकार अन्य मजहबी ठिकानों को तोड़ने की कोशिश भी सरकार करेगी तो उसका क्या होगा। हम नहीं कहते कि हम कोई हिंसक आंदोलन करें या फिर हम कोई आगजनी करें, लेकिन कम से कम अपने मंदिरों को बचाने के लिए हम सरकार को चेतावनी तो दे सकते हैं, हम संगठित होकर उनके सामने अपना पक्ष तो रख ही सकते हैं, लेकिन शायद हम ये सब भी करने में विफल रहते हैं और इसीलिए आए दिन हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है। हिंदुओं संगठित हो जाओ, वरना 1990 में कश्मीर से भगाए गए थे, अब देश के अन्य स्थानों से भी भगाए जाओगे तो कहाँ जाओगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।